हेलो फ्रेंड्स, सो 5D बैंकिंग को लेकर अपडेट आया है। ये UFBU यूनियन फॉरन ऑफ बैंक यूनियन के जो कन्वर्नर हैं संदीप के बख्श, उन्होंने डायरेक्ट निर्मला सीतारमन जी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लेटर लिखा हुआ है 5D बैंकिंग के लिए। तो देखते हैं इसमें लेटर में क्या लिखा हुआ है इन्होंने। तो लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड मैडम, यू विल बी अवेयर दैट द नेगोशिएशन ऑफ रिविजन ऑफ वेज एंड इंप्रूवमेंट इन द सर्विस कंडीशन फॉर एम्प्लॉय एंड ऑफिसर इन द बैंक विच आर बींग हेल्ड बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द यूनियन एसोसिएशन हैव बीन प्रोग्रेस वेल। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन ऑन 7 December 2023 बाई विच द मेजर आइटम ऑफ म्यूचुअली अग्रीव इशू हैव सॉर्टेड ऑफ आवर सेटिस्फैक्शन। वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू फाइनलाइज एंड साइन द फुल प्लेस सेटलमेंट। वी आर थैंकफुल यू आर द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द गाइडेंस एंड फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ आवर डिमांड विच हैव पेव्ड द वे ऑफ सच अर्ली स्पीडियंट कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन। इन्होंने यहाँ पे थैंक यू बोला है, मतलब निर्मला सीतारमन जी को, कि इन्होंने उनकी वजह से इतनी फास्ट प्रोसेस हुआ और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट दे दी गई जो भी आप बोलो। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू 5D बैंकिंग, जो कि हमारा 2015 से चल रहा है। 2015 में उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी दो सैटरडे ऑफ रहेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में ऐसा करके पाँच सैटरडे ऑफ कर लिए जाएंगे जो भी होते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे लिखा, यू आर वेल अवेयर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अंडर विच द वर्क फोर्स इन द बैंक आर डूइंग देयर जॉब इन बैंक, हेंस इट वुड बी द फिटनेस ऑफ थिंग्स डेट वी रिमेनिंग सैटरडे मे आल्सो बी डिक्लेयर एज अ हॉलीडे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बैंक में बैंकर्स में बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस टाइम पे, तो उसके लिए 5 डे मतलब होना चाहिए, सारे सैटरडे ऑफ होना चाहिए, ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ, वी हैव एग्री विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन डैट सेल बी नो डिडक्शन इन द टोटल बैंकिंग आवर फॉर द कस्टमर और इन द टोटल वर्किंग आवर ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल एन अकाउंट ऑफ दिस एडिशनल हॉलीडे। इन्होंने लिखा है कि जो 5 डे होने वाला है, अगर आप लिटरली देखो तो जो 5 डे होने वाला है उससे एम्प्लॉय को और मतलब वर्किंग आवर तो सेम ही रहेंगे, कोई वर्किंग आवर डिक्रीज नहीं होने वाला है। बस वो जो वर्किंग आवर सैटरडे का उसको बढ़ा के हर एक घंटे मतलब 40 मिनट या जो भी बढ़ाएंगे वो पर डे के हिसाब से बढ़ने जाए, उसके बावजूद मतलब वर्किंग आवर सेम होने के बावजूद भी 5 डे देने में इतनी ज़्यादा इशू हो रहे हैं। और फिर उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर आल्सो अवेयर दैट द सिस्टम इज ऑलरेडी इन RBI और LIC में जो कि काफ़ी पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। Hence we shall thank you to consider the matter favorably and advise the IBA to proceed further in this regard। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि IBA को आप इंस्ट्रक्शन दो 5D बैंकिंग के लिए अप्रूवल करने के लिए। आई होप इस लेटर का कुछ प्रभाव पड़ेगा और IBA की तरफ से क्यों अप्रूवल मिल जाएगा। अब तो होप यही कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी तभी तो IBA ने अप्रूवल दिया। आई होप कि इस लेटर के बाद से कुछ लेटेस्ट अच्छा अपडेट आएगा मे बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। वैसे एक बात और क्लियर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ही अप्रूवल पेंडिंग है, DFS से क्लियर हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि जल्दी से जल्दी 5D बैंकिंग बैंक एम्प्लॉय को मिल जाएगा।